नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन की पेमेंट के बारे में। अगर दोस्तों आपका भी पेमेंट अभी तक नहीं आया है तो दोस्तों कुछ लोगों का पेमेंट हाल ही में पड़ना स्टार्ट हो गया है, उनके खाते में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है। उनकी पेमेंट दोस्तों मैं आपको बता दूँ, किसी की पेमेंट दोगुनी भी आई है और किसी की पेमेंट तिगुनी भी आई है, यानी कि 6,000 रुपये से लेकर 12,000 15,000 रुपये तक लोगों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं किन किन की पेमेंट अभी आई है और कब उनके खाते में ट्रांसफ़र की गई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है वृद्धा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करना है योजना के विषय में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं योजना के विषय में, तो आपके सामने इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिलता है पेंशनर सूची, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके सामने आपके ज़िले की जो लिस्टें हैं वो सारी ओपन होकर आ जाती हैं। आपको अपना जो ज़िला है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना विकास खंड को चूज कर लेना है। विकास खंड को चूज करने के बाद आपके सामने मिल जाता है आपकी ग्राम पंचायत, आपकी जो भी ग्राम पंचायत है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने आपकी ग्राम पंचायत के जो फोर्थ क्वार्टर की जो पेमेंट है वितरित की गई है उसका इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आपको फोर्थ क्वार्टर में आना है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आएंगे तो नीचे आपको मिलेगा कुल पेंशनर, और उसके जस्ट नीचे ही आपको मिलेगा पेंशनर की जो भी पेमेंट आई है वो कितनी आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पेमेंट इस वर्ष इस महीने जो भी है फोर्थ क्वार्टर की वो इतनी आई है। तो यहाँ पर कुल पेंशनर के नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी ग्राम पंचायत की जितनी भी लाभार्थी हैं उनका सारा डेटा यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस किस की पेमेंट यहाँ पर ज़्यादा आई है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस की पेमेंट ज़्यादा आई है। तो सबसे नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं जिनकी पेमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं 12,000 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम नीचे चलते हैं, नीचे और भी लोगों की पेमेंट यहाँ पर आई हुई हैं। कुछ लोगों की 12,000 आई हैं, कुछ लोगों की 2,000 भी आई हैं। इस तरीके से इनके यहाँ से देख सकते हैं इनकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर अभी 2,000 रुपये इनके खाते में ट्रांसफ़र की गई है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इनकी जो पेमेंट है वो 12,000 आई है और इनकी भी पेमेंट यहाँ पर 12,000 रुपये इनके खाते में आई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी लोगों की जो पेमेंटें हैं वो 12,000 रुपये आई हैं, और कुछ लोगों की पेमेंट यहाँ पर 6,000 और 2,000 भी आई हैं। इसी तरीके से आपको भी अपनी लिस्ट में अपना नाम देख लेना है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों 4 से 5 लोगों की जो पेमेंट है वो 12,000 आई है, और कुछ लोगों की पेमेंट यहाँ पर 2,000 आई है। अब आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पर आपको उसके सामने ही मिलेगा। मान लीजिए इनकी पेमेंट यहाँ पर 12,000 रुपये आई है, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है पेमेंट रिलीज्ड, और इसके नीचे लिख कर आ रहा है कि आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की जो धनराशि है वो सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है, कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इनकी पेमेंट 12,000 रुपये आई है, तो आपकी अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है। आप कॉपी करेंगे उसके बाद आपको नए टैब में जाना है, और आपको वहाँ पर टाइप करना है PFMS। अब जैसे आप PFMS टाइप करते हैं तो आपके सामने PFMS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन होकर आ जाती है। फर्स्ट में ही आपको मिल जाता है DBT स्टेटस ट्रैकर, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके सामने इसका जो डैशबोर्ड है ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एंटर एप्लीकेशन ID में जो भी अभी हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी किया था उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पर जो भी हमारा कैप्चा कोड है उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। कैप्चा कोड को हम यहाँ पर जो है जैसा यहाँ पर दिया गया है वैसे यहाँ पर फिल कर देते हैं, और उसके बाद आपकी जो स्क्रीन है उस पर पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया है, हम सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, तो नीचे हमें इसका जो पेमेंट का डैशबोर्ड है यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, कितनी डिमांड लगी थी, कितनी डिमांड हमारे खाते में आई है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी जो पेमेंट आई है वो 12,000 रुपये अमाउंट, आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं इनका पेमेंट यहाँ पर लगा था। ये पेमेंट 19 मार्च को लगा था, और दोस्तों इनके खाते में 1 अप्रैल को रिसीव हो गया है।
ये हाल ही में पेमेंट आई है, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 अप्रैल को इनके खाते में रिसीव हुई है और इनकी दोस्तों जो डिमांड है वो इनकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई। इनका बैंक अकाउंट लास्ट में 4 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने इसे ब्लर कर दिया, बट आपको आपका अकाउंट नंबर आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस प्रकार से इनकी पेमेंट का स्टेटस भी चेकआउट कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर इसी प्रकार की नई से नई वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।